अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको थर्मोस्टेट की ओवरहॉलिंग के बारे में बताऊंगा। आज हम थर्मोस्टेट को ए टू जी खोलकर इसके एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं थर्मोस्टेट की लीकेज के बारे में बताऊंगा, उसे कैसे फिक्स करना है उसके बारे में बताऊंगा, गैस किट की लीकेज चेक करेंगे और उसे चेंज करने का तरीका भी बताऊंगा। थर्मोस्टेट ऑफ कराने के बावजूद बर्नर थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसका भी फॉल्ट ट्रेस करेंगे और उसका हल निकाल लेंगे। नाज़रीन, थर्मोस्टेट के अंदर वाला डिस्क सेटअप या मेन वाल्व लीक होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो क्यों लीक होता है उसकी प्रॉब्लम समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डिस्क की स्प्रिंग की टेंशन भी बढ़ाएंगे। रबर सील के बारे में भी बताऊंगा आपको कि उसका क्या काम है और अगर वो लीक है तो उसे कैसे ठीक करना है। नाज़रीन, आज मैं आपको थर्मोस्टेट का मुकम्मल पाथ समझाऊंगा, वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊंगा। नाज़रीन, थर्मोस्टेट के गैस आउट के दो पाथ होते हैं, आज हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। गैस इन और आउट का टोटल मैकेनिज्म बताऊंगा, टेम्परेचर की सेटिंग की क्या साइंस है, ये किस तरह काम करता है और लीकेज के मुमकिना पॉइंट्स और उनका हल भी बताऊंगा। थर्मोस्टेट की थर्मोकपल कैसे काम करती है, इसका पायलट क्या काम करता है, इसका मेन बर्नर किस तरह ऑन होता है, उसे कंटिन्यू ऑन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और थर्मोस्टेट को आग लगने की वजूहात और उनका हल भी ढूंढेंगे। पुश बटन की लीकेज की वजह और उसका हल भी इसी वीडियो में देखेंगे। और नाज़रीन, थर्मोस्टेट के जितने मसले आपके साथ अभी मैंने डिस्कस किए हैं, साथ साथ हम उनका हल भी ढूंढते जाएंगे। मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ऊपर वाली हमने नाब को उतार लिया, उसके बाद T25 तीन नंबर की स्टार की लेकर हम इसका फ्रंट के पेज खोलेंगे। नाज़रीन, इसका एक पेज छोटी स्टार की से खुलेगा, चार नंबर की स्टार की से T27 से, और बड़े वाले पेज T25 तीन नंबर की स्टार की से खुलेंगे। नाज़रीन, आपने इसे एहतियात से उतारना है कि हो सकता है कि इसकी जैन किट जो है, इसका गैस्केट जो है वो ठीक हो और हमारे उतारने की वजह से वो लीक हो जाए। नाज़रीन, ये इसके अंदर का मैकेनिज्म है, ये इसका गैस्केट है जो गैस की लीकेज को रोकता है। जिन लोगों का गैस की लीकेज का मसला है, जो लोग कहते हैं कि हमारे जब हम गीज़र ऑन करते हैं तो हमारे थर्मोस्टेट को आग लग जाती है, जिससे इसके नॉब्स और ये प्लास्टिक के बटन वगैरह भी जल जाते हैं और हमें बार बार इनको चेंज करना पड़ता है, तो वो बेशक वो ख़तरनाक है, इसके लिए उन्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। नाज़रीन, ये इसका गीज़र का मेन कंट्रोल है, ये हमारे मेन बर्नर को ऑन करवाता है, इस पे बाद में बात करते हैं। ये हमने इसकी गैस्केट को बड़े एहतियात से उतार लिया है। तो नाज़रीन, ये आपने ये ध्यान देना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है कि इसके ये जो जहाँ पे चार पेच लगे हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, ये चार पेच इनके होल होने चाहिए। एक ये एडजस्टमेंट जो पायलट की एडजस्टमेंट का जहाँ पे वो स्क्रू होता है, ये वाला होल होना चाहिए, और ये पायलट की गैस यहाँ से क्रॉस करती है। इन दो होल्स के अलावा, यानी टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, 7 होल्स के अलावा ये कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए, कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए, इसमें कोई और होल नहीं होना चाहिए। अगर कोई और होल है तो ये गैस्केट आपका ख़राब हो चुका हुआ है, उसके लिए हम नया गैस्केट अरेंज करेंगे, और मोस्टली ये गैस्केट मार्केट से नहीं मिलते। तो नाज़रीन, ये गीज़र के इस गैस्केट को आपने मार्केट से एक रेक्सियन या लेदर टाइप की कोई एक चीज़ मिलेगी आपको, जो हीट प्रूफ होती है और गैस्केट के काम आती है, उस पर आप अपनी मर्ज़ी का गैस्केट बना सकते हैं। तो हम भी इसी तरह ही गैस्केट बनाएंगे, इसको
इसके ऊपर रख के ट्रेस लेंगे। इसी तरह इसके सुराखों को भी ट्रेसना है। नाज़रीन अच्छी तरह एहतियात से देख लें, चेक कर लें, ये हमने पूरा गैस्केट ट्रेस लिया हुआ है। अब नाज़रीन इसे हम कैंची की मदद से पूरा काट लेंगे और इसी तरह इसमें एहतियात से होल भी कर लेंगे और ये पीस भी इसमें से निकाल के सेम इसकी तरह का गैस्केट तैयार कर लेंगे। तो नाज़रीन अक्सर लोगों का गीज़र जब पानी गर्म कर देता है उसके बावजूद उनका बड़े वाला फ्लेम थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, साथ साथ ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमारा गीज़र पानी गर्म करने के बाद जब ट्रिप करता है उसके बावजूद वो फ्लेम चलता रहता है छोटा थोड़ा थोड़ा। तो नाज़रीन उसकी मेन वजह यहाँ पर होती है, इस जगह से गैस लीक होती रहती है जिसकी वजह से फ्लेम में थोड़ी थोड़ी गैस आती रहती है। यहाँ से गैस लीक होने की मेन तीन वजूहात हो सकती हैं। एक इसका स्प्रिंग, ये स्प्रिंग वक्त के साथ साथ अपनी ताकत खो देता है जिसकी वजह से ये इसको पुश करने में नाकाम रहता है, ज़्यादा वाला पुश करने में नाकाम रहता है और वो सील सही तरह अपनी जगह पे ये चीज़ सही वाली अपनी जगह पे बैठती नहीं और गैस लीक होती रहती है। उसके बाद दूसरी बात, ये जो सील है ये जो यहाँ पे लगी हुई है, ये सील जो गैस को यहाँ पे बंद करती है, गैस को टर्न ऑफ करवाती है, यहाँ से गैस का दाखिला ख़त्म करती है, जो गैस को इस पोर्शन में जाने से रोकती है वो ये सील है। और अगर ये सील आपकी ख़राब हो चुकी है तब भी आपका गीज़र गैस यहाँ से लीक होती रहेगी और बर्नर तक पहुँचती रहेगी बंद होने के बावजूद। तीसरी वजह नाज़रीन, आपकी सील भी ठीक हो सकती है, आपकी सील भी ठीक है, नहीं है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे गैस में जो मौजूद माइनर सा जो कचरा होता है वो अक्सर औकात इस जगह पे आ जाता है, कचरे की वजह से ये आपकी ये सीट खराब हो जाती है। ये इसकी जहाँ पे ये सील जाके लगती है वो सरफेस ख़राब हो जाती है, उसमें कचरा कोई चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से आप फिर भी गैस लीक होना शुरू हो जाती है। इसी तरह वक्त के साथ साथ ये सील भी ख़राब हो जाती है और थर्मोस्टेट ज़्यादा गर्म होने की वजह से भी ये सील डैमेज हो सकती है। तो आप इस सील को चेक करें, अगर ये सील ठीक है तो ओके, नहीं ठीक तो ये सील नहीं ला के यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अब नाज़रीन आपको मैं इसका टोटल मैकेनिज़्म समझाता हूँ। यहाँ से जब गैस इसके अंदर इन होती है तो हमारे पायलट तक और हमारे बर्नर को कैसे ऑन करवाती है, पायलट तक कैसे जाती है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह अपनी मर्ज़ी से गीज़र को सेट कर सकते हैं। नाज़रीन आपके सामने मैंने ये गीज़र अभी खोला है तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये गैस के अंदर मौजूद माइनर सा कचरा जो इस जगह पे आके रुका हुआ है। तो आपने क्या करना है कि इस जगह पे बिल्कुल इस जगह को कवर करके आपने फूंक मार के इस कचरे को बाहर निकाल देना, क्योंकि यही कचरा बाद में आपकी इस सील को लीक करने का बायस भी बन सकता है और आप इस पाइप के जरिए जेट में जाकर जेट को भी बंद करने का बायस बन सकता है। तो नाज़रीन जब गीज़र में यहाँ से गैस हमारे इस कंपार्टमेंट में आती है, ये इसका सिलेंडर का कंपार्टमेंट है, यहाँ सबसे पहले गीज़र के थर्मोस्टेट में सबसे पहले इस जगह पे गैस आती है। यहाँ से हम दो तरह से गैस को कंट्रोल कर सकते हैं, मैन्युअली हम यहाँ से पुश करते हैं और यहाँ से पुश करके इस गैस का को रास्ता देते हैं आगे जाने के लिए। और हम पुश किस चीज़ को करते हैं, हम इस मैग्नेटिक वाल्व को पुश करते हैं, इस सेल को पुश करते हैं। मैं इसे आपको खोल के दिखाता हूँ। नाज़रीन ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल है, यहाँ पे इसकी कॉयल है, ये इसकी डिस्क है और ये इसकी सील है। तो नाज़रीन यहाँ से जब गैस इस सिलेंडर में आती है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल की ये सील उस रास्ते को ब्लॉक किए होती है और गैस आगे नहीं जा पाती। जब हम इस पुश बटन से
बटन को पुश करते हैं तो इसकी नीचे वाला इसके नीचे वाला एज इस जगह पे टच होता है ये डिस्क पे और सेल को पुश कर देता है। इससे ये होता है कि जब सेल पुश होता है तो ये सील जो है वो अपनी जगह से नीचे डाउन हो जाती है और इस रास्ते से गैस आगे क्रॉस होना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन जब हम इस नीचे सेल को पुश करते हैं और जब गैस यहाँ से आगे क्रॉस होना शुरू हो जाती है तो वो सबसे पहले यहाँ से निकलती है इस वाले होल से। जब यहाँ से निकलती है तो वो गैस इस कंपार्टमेंट में आती है, ये जो ग्रूव बना हुआ है यहाँ पे आती है और यहाँ से इस जगह पे आके वापस इस होल के जरिए यहाँ पे आ जाती है, इस बटन पे आ जाती है। यहाँ पे ये बात आपको बताता चलूं कि जब भी यहाँ से गैस क्रॉस, जो भी गैस क्रॉस होगी वो सबसे पहले इस बटन के पास आएगी। हम इस बटन से आगे इस गैस को आगे मूव करवाएंगे कि हमें ये पायलट की तरफ भेजनी है या बर्नर की तरफ भेजनी है, जैसे किसी बल्ब का बटन होता है, ऑन ऑफ स्विच होता है और बल्ब की तार जो है, बल्ब की वायर जो सबसे पहले उस बटन में आती है और फिर बल्ब की तरफ जाती है, इसी तरह गैस पहले इस बटन की तरफ आती है, यहाँ से आगे वो अपनी दो दो शाखों में बट जाती है, एक वो पायलट की तरफ जाती है और दूसरी मेन बर्नर की तरफ जाती है। तो नाज़रीन जब यहाँ से ये गैस फिर वापस इसके अंदर इस होल में जाती है, इस वक्त ये हमारा बटन ऑफ की तरफ है। अब इस वक्त हम इस बटन को यहां से बाहर जब निकालेंगे, ये बाहर निकाला हमने, अब नाज़रीन ये आप चेक करें, ये थर्मोस्टेट का ऑन ऑफ प्लग है जिससे गैस को कंट्रोल किया जाता है और ये कॉनिक है। अब आप ये देखें कि यहां से ये जब गैस इसमें वापस जाती है तो हमारा ऑफ वाला बटन के आगे बिल्कुल ये प्लेन है, यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रूव नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है, इसलिए ये गैस यहाँ से आगे बिल्कुल किसी और जगह पे नहीं जा पाएगी। भले आप ये पुश बटन ऑन रखें या कुछ भी करें, जब ये बटन ऑफ पे है गैस यहाँ से आगे कहीं भी किसी जगह पे भी क्रॉस नहीं होगी। अभी हम ये इस बटन को इसकी डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं। अभी ये ऑफ पे था, इस वक्त हमने पायलट पे कर दिया है, अब हम देखते हैं इसकी क्या डायरेक्शन बनती है। ये देखें, ये जब गैस इस जगह पे जाती है वापस, तो इस जगह पे जब पायलट की वाली जगह पे हम इसे पायलट की डायरेक्शन पे रखते हैं तो यहां एक ये ग्रूव बना हुआ है, यहां इस बटन के दरमियान में इतनी जगह पे ग्रूव बना हुआ है, यहाँ से गैस इस जगह पे आना शुरू हो जाती है, इसके अंदर आना शुरू हो जाती है। उसके बाद यहाँ जब इस जगह पे गैस पहुँचती है, इस जगह पे आती है, तो इसी जगह से या ये जब गैस को ये इतना हिस्सा मिल जाता है, इस होल से गैस इस जगह पे आई, यहाँ से इतने से फासले से ये गैस दोबारा यहाँ से ये वापस आ गई, इस जगह से इसके बिल्कुल बिल्कुल साथ वाले होल से गैस वापस आ गई। और आप देख सकते हैं कि इस जगह पे ये बिल्कुल कट लगा हुआ है, यहाँ पे ये कट है, जब ये गैस यहाँ से बाहर आएगी तो बाहर आने की बजाय वो इस पोर्शन में चली जाएगी। अगर आप गौर करें तो यहाँ से गैस अंदर गई, ये इस जगह पे ये आप देख सकते हैं यहाँ से गैस अंदर जा रही है, फिर इस सुराख से वापस आ रही है, ये साथ वाले सुराख से ये यहाँ से वापस आ रही है और इस अपार्टमेंट में आ रही है जिसे हम पायलट का सप्लाई चैम्बर कहते हैं। ये पायलट का सप्लाई चैम्बर है, यहाँ पे पायलट के लिए यहाँ पे गैस आके इकट्ठा होती है, जिसमें ये आप देख रहे हैं एक वाइट कलर का ये फिल्टर लगा हुआ है। ये नाज़रीन ये फिल्टर इसलिए है कि पायलट की लाइन बारीक होती है और इसका आगे जेट का होल भी बारीक होता है, तो गैस के अंदर मौजूद छोटे छोटे ज़र्रात उस होल को बंद ना कर दें, इसलिए ये फिल्टर लगाया जाता है। चूंकि हमारा पूरा गीजर का ऑन ऑफ सिस्टम जो है वो पायलट पे मुनसर है, पायलट पे डिपेंड करता है, अगर हमारा पायलट ऑन है तो हमारा गीजर ऑन है और वो ऑन ऑफ ऑटोमेटिक भी करेगा, अगर पायलट ऑफ है तो हमारा गीजर भी ऑफ है, गीजर नहीं चलेगा। तो यहाँ से फिर नाज़रीन इस अपार्टमेंट से गैस जो है ये इस होल में जाती है, ये आप होल चेक करें, ये इस होल में, इस होल से नीचे को मूव करना शुरू कर देती है। ये हम इसका फिल्टर यहाँ पे दोबारा फिक्स कर देते हैं। अब ये हमारी पायलट की तरफ जाने के लिए गैस यहाँ से आके तो इस पाइप में आ रही है, ये पायलट के पाइप में जाना शुरू हो गई है, लेकिन ये रास्ते में एक पेच लगाया हुआ है जो इसके रास्ते को कम या ज़्यादा कर सकता है। यहाँ पे एक होल है, उसमें ये पेच लगा दिया गया है, अब इस पेच को आप कसना शुरू कर देंगे तो होल बंद होना शुरू हो जाएगा और पायलट की लाइट कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे आप इसको
इस साइड पे खोलना शुरू कर देंगे तो वो होल खुलना शुरू हो जाएगा और गैस ज़्यादा क्रॉस होना शुरू हो जाएगी। ये आपके पायलट की एडजस्टमेंट के लिए लगाया गया है ताकि आप अपनी मर्जी का शोला सेट कर लें और बाकी की गैस यहाँ से पायलट की तरफ क्रॉस होना शुरू हो जाती है। जैसे अब ये इस पायलट में गैस आना यहाँ पे शुरू हो गई, ये लाइट थर्मोकपल को मिलेगी और थर्मोकपल गर्म होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे गर्म होती जाएगी ये करंट जनरेट करना शुरू कर देगी। इस ये सेल मैग्नेट बनाएगा और जैसे ये मैग्नेट बनाना शुरू करेगा तो ये ऊपर वाली डिस्क को अपनी तरफ खींच लेगा। वैसे तो नाजरीन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल में इतनी पावर नहीं होती कि पल्स के करंट से ये इस डिस्क को अपनी तरफ खींच के गैस को रास्ता दे दे। इसके लिए हमें इसको पुश करना पड़ता है। जब हम पुश करते हैं तो ये ऑलरेडी यहाँ पे होता है और जैसे ही थर्मोकपल इसे करंट देना शुरू करती है तो ये इसको फिर वापस नहीं जाने देता। यहाँ पे जो कॉयल होती है वो मैग्नेट बनाती है और ये फिर इसको अपनी तरफ खींच के रखता है और इसे वापस नहीं जाने देता और गैस का रास्ता क्लियर रहता है। जब तक आपकी थर्मोकपल गर्म रहती है और जब तक इसे करंट मिलता रहता है आपका ये गैस का रास्ता खुला रखता है, गैस का रास्ता बंद नहीं करता सेल। तो हम इस बटन को वापस छोड़ भी दें तो हमारी गैस यहाँ से क्रॉस होती रहती है। अब नाज़रीन बात आती है इसको गीज़र को ऑन करने की। तो हमारा ये पायलट पोजीशन पे बटन था, अब हमारा सारा काम ठीक चल रहा है। अब हमने गीज़र को ऑन करवाना है ताकि हमारे मेन बर्नर ऑन हो जाए। अब हम इसको जब ऑन पे लेके आते हैं ये इसकी ऑन की कंडीशन आ गई है। अब ज़रा देखें कि हम इस बटन को देखते हैं कि ये किस कंडीशन में है। इस सिलेंडर के अंदर दो रास्ते होते हैं, एक पायलट के की तरफ गैस भेजने के लिए और एक हमारे बर्नर की तरफ भेजने के लिए। अब बर्नर के तरफ जो गैस भेजने वाला रास्ता है वो जब यहाँ पे हमारा इस कंडीशन में होता है तो वो बंद होता है क्योंकि वो इस साइड पे होता है। इस जगह से हमारी मेन बर्नर के लिए यहाँ से गैस आती है जो इस कंडीशन में इस जगह से बंद रहती है। अब हम जैसे ही इसको ये ऑन कंडीशन पे लेके आए तो आप ये चेक करें जरा कि साथ ही यहाँ पे ये सुराख वाली जगह, होल वाली जगह बिल्कुल उसके सामने आ गई और मेन जो इसका गैस का रास्ता यहाँ से क्लियर हो गया, गैस इसके अंदर जाना शुरू हो गई। और जब गैस इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगी मेन पायलट के लिए तो वो नाज़रीन यहाँ नीचे से आएगी। ये देखें जब इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगी तो यहाँ से नीचे से आना शुरू हो जाएगी और जैसे ही नीचे आएगी तो ये इस जगह पे इस यहाँ से गैस नीचे आना शुरू हो गई और इस वाले अपार्टमेंट में आ जाती है जिसे हम बर्नर का सप्लाई चैम्बर कहते हैं। ये बर्नर का सप्लाई चैम्बर है नासिर। ये जब ये ऊपर लगा होगा, ये जब इसका कवर ऊपर लगा होता है तो ये यहाँ से बंद होता है बिल्कुल, गैस सिर्फ इसी अपार्टमेंट के अंदर रहती है। इसके बाद ये डिस्क फैसला करती है कि इसने गैस को बर्नर तक आगे भेजना है या नहीं, क्योंकि इसमें भी आगे नीचे की तरफ यहाँ पे सुराख है, ये वाला सुराख नीचे की तरफ है। अगर ये डिस्क अपनी जगह से पीछे है, इसके साथ नहीं लगी हुई, अपनी जगह से पीछे है तो गैस इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगी और वो गैस फिर इस होल के ज़रिए यहाँ सीधी बर्नर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। पायलट की पाइपलाइन की तरह जैसे दरमियान में एक स्विच वाला पेच लगा हुआ है, इसी तरह मेन बर्नर की पाइपलाइन में भी ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है इस मेन बर्नर की पाइपलाइन को कंट्रोल करने के लिए। और ये थर्मोस्टेट काम करता है गीजर के अंदर जो सेंसर है जो इसको हीट दे के इसको सेंस करवाता है कि आपने इसको कहाँ रखना है। और ये जो नाज़रीन जो टिक की आवाज़ आती है ये और ये नाज़रीन गीजर की यहाँ पीछे वाली साइड पे एक पत्री लगी होती है, वो पत्री जब टिक की आवाज़ देती है तो वो पत्री इस वाले सिलेंडर को, इस वाली डिस्क को पुश कर देती है। जब ये पुश कर देती है तो गैस जाना शुरू हो जाती है और जैसे ही वो टक की आवाज़ आती है वो पत्री पीछे चली जाती है और ये भी उसके साथ टच हो जाता है। इस स्प्रिंग की वजह से ये डिस्क इसके साथ टाइट हो जाती है और गैस जाना बिल्कुल बंद हो जाती है। और अगर आपके साथ बर्नर के थोड़ा सा फ्लेम हर वक्त ऑन रहता है ये वाला इशू है तो इस स्प्रिंग की टेंशन बढ़ा दें, इस स्प्रिंग को थोड़ा स्ट्रेच कर दें, माइनर सा स्ट्रेच कर दें ताकि ये थोड़ा ज़्यादा वर्क करना शुरू हो जाए और फिर इसको यहाँ पर लगा दें। अब हम इसका गैसकेट लगाते हैं। मोटरसाइकिलों वाली दुकानों से गैसकेट की एक ट्यूब मिलती है गैसकेट फिट करने के लिए, अगर वो मिल जाए ठीक है, ना मिले तो लाइट सी नॉर्मल सी स्मार्ट बोर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं।
अब इस जैन को बिल्कुल प्रॉपर जगह पे फिट करेंगे। नाज़रीन, मुझे कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स आए हैं कि हमारा ये बटन भी लीक है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं अभी चलते चलते आपको बता दूं कि नाज़रीन, इसमें ये ऊपर से ये इसका लॉक बाहर निकाल के इसका ये स्प्रिंग निकाल लें, और इसमें एक ओ रिंग होता है अंदर, वो इसका नया ला के इसमें ओ रिंग फिट कर दे और दोबारा स्प्रिंग लगा के और ये लॉक लगा दे, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। अब हम इसकी पल्स और सेल को लगाते हैं। नाज़रीन, हमने थर्मोस्टेट के सारे कंपोनेंट इसके साथ फिक्स कर दिए हैं। अब हम इसकी लीक चेक करेंगे और फिर चलाकर देखते हैं। कुछ देर हमने पुश बटन दबाए रखा, हमारा पायलट ऑन हो गया। मैंने पुश बटन छोड़ दिया है, अभी मैं इसे ऑन पे करने लगा हूँ। नाज़रीन, हमारा गीजर ऑन हो गया है। ऑन कंडीशन में इसकी लीक चेक कर लेते हैं। नाज़रीन, मैंने आपको थर्मोस्टेट के एक एक पार्ट के बारे में तफसील से बता दिया, इसका सारा मैकेनिज्म समझा दिया। ये चीज समझने के बाद आपको खुद अंदाजा हो गया होगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके गीजर में क्या हो रहा है, तो उसकी रीजन क्या हो सकती है, क्योंकि आपने थर्मोस्टेट का गीजर का पूरा मैकेनिज्म समझ लिया है। इसके साथ ही नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।